नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता छीनी, वैसे ही 2024 का रुख करते हुए सभी विपक्षी दल एक होने की शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, ये संभावनाएं इसलिए जताई जा रही हैं क्योंकि वो विपक्षी दल जो एक बार कांग्रेस के साथ आना पसंद नहीं करते थे, अब वो धीरे धीरे कांग्रेस के बारे में बात करना पसंद कर रहे हैं, वो कांग्रेस का समर्थन देना पसंद कर रहे हैं। इस पूरी लड़ाई में बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने 2013 में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तो 50 दिन की भी सरकार नहीं चली। उसके बाद कभी भी कांग्रेस का समर्थन आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी की सदस्यता 2023 में छीनी गई, तब खुद संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी का समर्थन किया। इससे पहले पंजाब का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो या फिर गुजरात का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी के वोट को काटने के लिए आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा अग्रसर रही है। लेकिन ऐसे में जहां एक ओर आम आदमी पार्टी का रुख कांग्रेस पार्टी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता खुद राहुल गांधी का भी कुछ ऐसा ही मानना साबित हो रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही गठबंधन के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल सभी विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाज़ा खटखटाया तो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्षी दलों को परेशान कर रही हैं। लेकिन अगर हम यहां बात करें खुद राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष को बड़ा हथियार दिया है। उनका इशारा संभवतः विपक्षी दलों के साथ एकजुटता करने का था। याद हो कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि हम लोकतंत्र की लड़ाई में एक साथ लड़ेंगे। ऐसे में अब 2024 के चुनाव में जल्द ही महागठबंधन के आसार जो है नज़र आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए ये तमाम राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आएंगी और फिर से मोदी वर्सेस ऑल का नारा गूंज उठेगा। ऐसे में देखना होगा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी विपक्षी पार्टियों का कैसे सामना करते हैं और कैसे सरकार में फिर से वापस आ खड़े होते हैं। हालांकि इस बात का अनुमान ज़रूर लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी को हरा भी नहीं पाई, लेकिन वोट काटने में वो ज़रूर कामयाब साबित होंगी। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में क्या राहुल गांधी, सपा पार्टी, टीएमसी पार्टी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना या फिर अरविंद केजरीवाल का हाथ थामना पसंद करेंगे। क्या एक मंच पर आकर के सभी विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारा लगाना पसंद करेंगे या फिर नहीं।